दिवाली की रात नोएडा के ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कई हाउसिंग सोसाइटियों में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। रात भर चार हाउसिंग सोसाइटियों में आग लगी जिसमें घर का सामान जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात ये रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सुपरटेक इको विलेज वन में आग का हादसा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सुपरटेक इको विलेज वन सोसाइटी में 17वीं मंजिल के फ्लैट में अचानक आग लग गई। आग ने तेजी से फैलकर 18वीं और 19वीं मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। लपटे इतनी ऊंची थी कि दूर से दिखाई दे रही थी। डर के मारे सोसाइटी के लोग टावर के नीचे इकट्ठा हो गए। दमकल कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग बुझा दी। प्रारंभिक जांच में आग का कारण इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बताया गया है। समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू में दीपक से लगी आग। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के समृद्धि ग्रैंड एवेन्यू सोसाइटी के एम टावर में 13वीं मंजिल पर दीपक से आग लगने की घटना हुई। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। दमकल की तत्परता से आग पर काबू पा लिया गया और जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। एहतियात के तौर पर फ्लैट के आसपास के हिस्से को खाली करवा लिया गया। इन घटनाओं ने दिवाली की खुशियों को ओवरशैडो कर दिया लेकिन समय पर कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया। ये 10:45 पे फायर सर्विस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि सुपरटेक इको विलेज वन बिशरक थाना के अंतर्गत आता है, इसके 17th फ्लोर पे आग लग गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने यहाँ पे दो गाड़ियाँ भेजी है। यहाँ आके देखा गया कि बालकोनी में जो 17th फ्लोर पे आग थी उससे 18th फ्लोर पे पहुंची, उससे 19th फ्लोर पे पहुंची। चूंकि 18th फ्लोर 19th फ्लोर बंद था इसीलिए जो है बालकोनी में कमरे में घुसना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, परंतु हमारे कर्मचारी यहाँ गए हैं। यहाँ के फायर फाइटिंग सिस्टम्स की मदद से, हमारे कर्मचारियों की मेहनत की मदद से और गाड़ी की मदद से हम लोगों ने तीनों जो है फ्लोर की आग को पूर्णतः बुझा दिया है। नहीं देखिए, इसमें 18th फ्लोर जो बंद था उसमें एक पग डॉग था, वो जो है धुएं में उसका सफोकेट हो गया है और कोई इसमें इंजरी नहीं है, कोई भी जनहानि नहीं है, परंतु जो है तीनों आग जो है कम्प्लीटली बुझा दिया गया है।